प्रदेश के पर्यावरण वन जलवायु संरक्षण के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग ने शुक्रवार को अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान चिड़ियाघर का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में पर्यावरण वन व जलवायु संरक्षण के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग ने बताया कि चिड़ियाघर का निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि कार्य को इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाए। प्रमुख सचिव ने बताया कि केंद्रीय टीम चिड़ियाघर का निरीक्षण करके गई है, वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को जल्द ही सौंपेगी और केंद्र सरकार से क्लियरेंस मिलने के बाद चिड़ियाघर को जनता के लिए ओपन कर दिया जाएगा। उन्होंने चिड़ियाघर के बिजली की समस्या के समाधान के लिए मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक किया। प्रमुख सचिव ने बताया कि चिड़ियाघर के लिए अलग अलग जगहों से जानवर को लाया जाएगा, जिसमें कुछ अपने प्रदेश के हैं और कुछ अन्य प्रदेश से जानवरों को लाया जाएगा। जैसे ही केंद्र सरकार से क्लियरेंस मिलता है, जानवरों को लाकर चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि चिड़ियाघर के कार्यों में काफी सुधार हुआ है। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन जीव जलवायु संरक्षण अधिकारी सुनील पांडे, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पर्यावरण वन जलवायु संरक्षण के प्रमुख सचिव सुधीर गर्ग ने कहा, किसने कराया काम भैया? यादव जी ने कराया कि सिंह साहब ने कराया? सिंह साहब आ गया। आप साहब छोड़ने चले गए? यहाँ से पानी वहाँ कैसे जाएगा? कहाँ से यहाँ से कैसे गुजरेगा? इसी से ऐसे चढ़ाई चढ़ेगा फिर उतर जाएगा। चढ़ाई चढ़ने के लिए है आपके पास पानी? लो, एक दो बाल्टियाँ लाओ, चढ़ाई चढ़ा के दिखाओ। इनको याद हो गया, दो बाल्टी ला के दिखाएं मुझे कैसे पानी चढ़ाई चढ़ाएंगे। एक बाल्टी पानी मंगाइए, कॉन्फिडेंट धारा में चढ़ जाए। Thank you.
वहाँ लगा दो सारे को, वो हमेशा नहीं करो, कैसे लगा दे, अभी कैसे लगा दे, एलोकेट देम स्पेस एंड आस्क देम टू डू इट क्विकली, ठीक है, डोंट वेट, यू वांट एनीथिंग टू बी डन एट ऑल रिकमेंड ऑल वेट डू इट, ये के लिए उसको दिखा दे दो, तो आपका माइग्रेशन यहाँ करेंगे आप, हेलमेट वाले ले लीजिएगा देखिए, चिड़ियाघर जो है आपका निर्माणाधीन है, काफी लंबे समय से ये निर्माणाधीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि और इसको लंबा खींचे जाना ना तो संभव है ना ही उचित है। आपके आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा बहुत इसमें रुचि ली जा रही है, हम आशा करते हैं कि इस वर्ष इस कार्य को पूर्ण कर देंगे। सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम वो आज यहाँ निरीक्षण करके गई है, उनसे हमारी औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से चर्चा भी हुई, उनके द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि अति शीघ्र अगले कुछ दिनों में वो अपनी रिपोर्ट हमें दे देंगे। उनकी रिपोर्ट में जो अनौपचारिक रूप से उन्होंने बताया है वो मैं आपको ऑफ कैमरा बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो छोटी मोटी समस्याएं बताई हैं उसका निराकरण स्थानीय स्तर पर संभव है। अगला धन्यवाद, जो उनकी रिपोर्ट आने के ऊपर बताएंगे ना, मैं आपको बताया अभी अभी। देखिए, जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि बिजली की जो तार है बाहर उसको उठाया जाना है, वो हमारे बिजली के अधिकारी अभी आए हैं, उन्होंने बताया कि टेंडर हो गया है और मटीरियल अवेलेबल है। अब मैं अभी इसी विषय पर जिलाधिकारी और आयुक्त महोदय से चर्चा करूँगा कि वो उसकी कारगुजारी और कार्यप्रणाली क्या रहेगी, इन लोगों ने कुछ तय किया होगा। मुझे ऐसी शंका है कि उस दिन शटडाउन लेना पड़ेगा इनको बिजली का, ठीक है ना, तो वो आप लोग अगर ऑल्टरनेटिव कंडक्टर से ये काम करवा दो तो शायद शटडाउन ना लेना पड़े, वो हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। ये उसके बाद हमारे अधिकारियों ने सारे जानवर अलग अलग जगह पर तैयार कर रखे हैं, ये जैसे ही हमारे सेंट्रल जू अथॉरिटी की क्लियरेंस हो जाएगी और यहाँ आने जाने की सुविधा हो जाएगी तो जानवरों को शिफ्ट करने में कदाचित कोई समस्या मुझे दिखती नहीं है। हाँ, कुछ बड़े जानवर जो हमें दूसरे राज्यों से लाने हैं उसमें कुछ ज़्यादा समय लगता है। तीसरी बात यह है कि जब जानवर नई जगह पे आके बसता है उसको हैबिटेशन के लिए थोड़े दिन क्वारंटाइन रखना पड़ता है ताकि वो अभ्यस्त हो जाए एक नए सराउंडिंग से। हमारे कानपुर जू के जो अधिकारी हैं वो आए हैं, बहुत सारे जानवर इनके द्वारा दिए जाने हैं, कुछ लखनऊ से लाए जाने हैं, कुछ हमें इटावा से लाने हैं, हम लोग सब उसके लिए तो तैयार हैं। विषय ये है कि कब ये जानवर लाए ताकि एक साथ उद्घाटन हो जाए, उसके बाद लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े इसको देखने के लिए। मान लो उद्घाटन हो जाए उसके बाद भी हम ना खोलें इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, तो बिना मतलब कि हम लोग व्यंग के पात्र बनेंगे। हम लोग ये प्रयास में हैं कि पहले जानवर भी साथ ले आए ताकि जब ये खुले तो एकदम से पूरा खुल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आप लोगों की जानकारी में है। हमारे अधिकारी यहाँ मेहनत से काम कर रहे हैं, हर काम में हमेशा कोई ना कोई कमी जरूर दिखती है। अगर आप सिर्फ कमियाँ ढूंढने आएंगे तो बहुत सारी कमियाँ मिल जाएंगी, लेकिन हमें ये भी देखना है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में, कितने पानी में, कितनी ख़राब जगह पे, कितनी अच्छी क्रिएशन ये खड़ी हो गई।
अगर कुछ साल पहले यहाँ आके कोई देखता तो ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस तरह की कोई 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 व्यवस्था यहाँ इतने अल्प अवधि में की जा सकती है। हाँ, निश्चित रूप से आज अगर मैं देख रहा हूँ, आज इसमें मुझे 10 सुधार नज़र आ रहे हैं, उस तक ये सुधार 2-3 साल पहले नज़र नहीं आते। आप लोगों का और हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को लगातार इनका मनोबल बढ़ाते रहना है, उनको बताना है कि इस जगह पर सुधार संभव है, ताकि वो लगातार सुधार करते रहें। परंतु अपने आप में शहरवासियों को मैं ये बधाई दूंगा कि इस वर्ष हर हाल में ये चिड़ियाघर चालू जरूर हो जाएगा। आपके जिलाधिकारी और आयुक्त आपको लगातार बताते रहे हैं, हम लोगों से इन्होंने जो एक दो बार जो आयुक्त महोदय की चर्चा हुई है वो मुख्यतः यहाँ के पानी निकालने के संबंध में हुई। मैंने इनको हमेशा ये कहा है कि जो आप लोग हमारा बजट है इसके अंतर्गत जो कार्य आप करा लोगे हम उस पर सहमत हो जाएंगे। आज इसको विस्तार में चर्चा करेंगे, ठीक है, जो इनके तरफ से सुझाव होंगे उसको इम्प्लीमेंट करा दिए जाएंगे। आप कोई विशेष मांग डिमांड या कोई ऐसी आशा हो जो यहाँ पे हम लोग इसी स्तर पर अभी शामिल कर सकें, ताकि लोगों को ये लगे कि एक पूरे चिड़ियाघर ही नहीं इससे कुछ ज़्यादा हमारे यहाँ देखने के लिए उपलब्ध है, कुछ ज़्यादा अच्छा।